नमस्कार मित्रों, शारदावाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा सत्र में विषय विज्ञान अध्याय छठा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज का बिंदु है लोहे पर जंग लगना। हम देखते हैं कि लोहे के टुकड़े को वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर उसके ऊपर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। जैसे कुल्हाड़ी, फावड़ा, गेंती, संताली आदि, अर्थात लोहे के कोई भी उपकरण है वो वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं और वर्षा के समय या नमी के समय हम उसके ऊपर भूरे रंग की जो परत देखते हैं उसे हम जंग लगना या जंग कहते हैं। इसके लिए समीकरण आती है, लोहा ऑक्सीजन प्लस जल बराबर जंग। ये तीन चीजें मिलकर के जंग का निर्माण होती है। तो इससे हमारा सूत्र सरल हो गया। लोहे का प्रतीक होता है Fe, ऑक्सीजन को O2, जल को H2O। Fe के साथ में ये दो ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, तो Fe2O3 का निर्माण करती है और जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो बिंदु है ये आयरन ऑक्साइड है। इसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और जंग लगने के लिए जंग हेतु अनिवार्य घटक दो है। पहला है जल और दूसरा है ऑक्सीजन। तो जंग हेतु अनिवार्य घटक दो चीजें होगी तो ही जंग लगेगा। जब तक है वातावरण में ये दो चीजें नहीं मिलेंगी तब तक उस पदार्थ के ऊपर जंग नहीं लगता है। लोहा जंग खाता है तो उसके लिए जल यानी जल वाष्प की मात्रा होगी, नमी की मात्रा होगी और दूसरा वायु में वो खुला रहेगा। घर में हम देखते हैं बरसात के समय में जो हमारा तवा होता है उसके ऊपर भी भूरे रंग की परत आ जाती है, इसका मतलब वो क्या है, जंग लग गए। बचाव देखिए, लोहे को जंग से बचाने हेतु उस पर पेंट ग्रीस की परत का लेप कर देते हैं या लोहे के ऊपर जिंक जस्ते धातु की
संक्षेपण, गैलवे नाइजेशन कहते हैं। लोहे के ऊपर है जो जिंक धातु की, उसके ऊपर जो अस्तर करते हैं हम, जिंक धातु की जो परत चढ़ाते हैं, उस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार लोहे का जो रंग में परिवर्तन हो रहा है, लोहे में जंग जो रासायनिक परिवर्तन का को दर्शाता है। इस प्रकार लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया हमने वातावरण में देखते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग भी देते हैं। जो जो हथियार हमने लोहे के हैं उनके ऊपर इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में उसके ऊपर जंग लगने की, कस्सी पावड़ा उदाड़ी आदि हम देखते हैं, उनके ऊपर जंग लगा हुआ रहता है। तो जंग लगने का जो समीकरण होता है वो होता है Fe प्लस O2 प्लस H2O बराबर Fe2O3। इसी को हम आयरन ऑक्साइड या जंग लगना कहते हैं। इसी प्रकार कुछ मिश्र धातुएं होती है, जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को संयुक्त रूप से मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पीतल, इसमें दो धातु होती है तांबा प्लस जिंक। इसको सूत्र के रूप में पीताजी, पीतल तांबा जिंक। उसी प्रकार नाइक्रोम, इसमें दो धातु होती है, एक होती है निकिल और एक होती है क्रोमियम। उसी प्रकार स्टेनलेस स्टील, इसमें लोहा निकिल क्रोमियम आदि धातुएं, यानी दो या दो से अधिक जो धातुएं मिलकर के जो पदार्थों का निर्माण करती है उन्हें मिश्र धातुएं कहते हैं। आज का ग्रह कार्य देखिए, जंग की परिभाषा लिखिए, जंग लगने की समीकरण लिखिए, जंग से बचाव हेतु उपाय लिखिए, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।